देखिए गाइस, मैं वीडियो बनाने की तैयारी करती हूँ, ये पूरा मेस कर देती है, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड फेस. माय सेल्फ निशा, एज ऑल यू नो आई एम योर फ्रेंड. आज के इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी मोटिवेशनल वीडियो. आप सब लोगों को मेरी मोटिवेशनल वीडियोस बहुत पसंद है, आई नो मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है मेरी मोटिवेशनल वीडियोस पे. तो #हैशटैग हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ की सीरीज में आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा. अगर आपको लगता है कि लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, आप खुद को बहुत अलोन फील करते हैं भीड़ में, या आप खुद को स्पेशल फील नहीं करवा सकते हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताऊंगी आप खुद को ब्रांड कैसे बनाएं, खुद को स्पेशल कैसे बनाएं, खुद के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फीलिंग कैसे लाएं सब में. ये सब बातें सबको आनी ही चाहिए, ठीक है? तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है. इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को अदरवाइज, ठीक है? लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगी, प्लीज वीडियो को पॉज करके पहले आप कमेंट करना, उसके बाद पूरा वीडियो देखना. वॉट इज ब्रांड एग्जैक्टली, मीनिंग ऑफ ब्रांड अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी सब लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ब्रांड मीन्स क्या? और मेरे हिसाब से ब्रांड मीन्स समथिंग डिफरेंट, कुछ यूनिक, सबसे अलग. जैसे कि देखो, ब्रांड की कोई भी चीज होती है, उस चीज का हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता है, वो खुद ही सेल हो जाती है. उसके फीचर्स के बारे में, उसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, या वो कितना अच्छा होगा और उसके उसका लाइफ मीन्स वो कितने टाइम तक चलेगी वो चीज़. पर्टिकुलर आप कोई भी चीज ले लो, शूज ले लो, कपड़े ले लो, कोई भी घर की चीज ले लो, अगर ब्रांडेड होगी तो उसको हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही भीड़ में एक अलग सा दिखेगा ही. उसको किसी की रिकग्निशन की, या किसी की प्रमोशन की, या किसी के उसको उसके मतलब उसकी तारीफ करने की हमें जरूरत नहीं होती है. तो हमें भी खुद को ब्रांड बनाना है, हमें भी खुद को अच्छा दिखाने के लिए, या सबके सामने हमको स्पेशल फील करवाने के लिए हमें कुछ एफर्ट नहीं लगाने पड़े, हम सबसे अलग दिखे, भीड़ में बिल्कुल निखर के दिखे. उन 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 चीजों को अपने आप में एक्सेप्ट करने के लिए आप सब लोगों को फॉलो करनी पड़ेंगी ये सब बातें. सो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स मूव. फ्रेंड्स, सबसे पहले आप में ये क्वालिटी तो होनी ही चाहिए कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, दैट इज सेकेंड नंबर थिंग. सबसे पहले आपको खुद की रिस्पेक्ट खुद करनी है. आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और आप आंखों में आंखें डाल के खुद से बात करो और पूछो कि आप में कौन सी क्वालिटीज है, आप क्या कर सकते हो. अगर आपने ऐसा सोच लिया वो ही टाइम पे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे कोई क्वालिटीज नहीं है, तो वहां पे ही जीरो हो जाएगा, आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे. अगर 70% भी आप में क्वालिटीज हैं, तो 30% विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस हो जाता है. वो बोलते हैं ना भगवान, क्या बोलते हैं, आप एक कदम आगे बढ़ो, 9 कदम मैं आगे बढ़ूंगा तो 10 कदम पूरे हो जाएंगे और हम मिल जाएंगे. इन द सेम वे हमको प्रैक्टिस करते ही रहना है, खुद को हमको कम नहीं समझना है अपने आप को. जो बड़े बड़े कोई भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, तो वो भी हमारी तरह ही, मेरी तरह ही है ना. ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने उनको कुछ एक्स्ट्रा दिया है, मैं भी मेहनत कर रही हूँ और मैं भी आगे बढ़ जाऊंगी, बट मुझे मेहनत करते ही रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है. कोई रिस्पेक्ट तभी करेगा जब आप खुद को इम्पोर्टेंस दोगे, तो ही सामने वाला आपको इम्पोर्टेंस देगा. फॉर एग्जाम्पल, कोई भीड़ में हम आपस में बात करते हैं, तो हम क्या, किसी की पोजीशन बड़ी होती है, पोजीशन मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, वो मैनेजर है या वट एवर, उसकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, हमारी क्वालिफिकेशन उसके सामने कम है, तो हम ग्रुप में बैठे होते हैं, ठीक है, तो उसने बहुत कुछ मिसबिहेव करके हमें कुछ बोल दिया, राइट, मिसबिहेव में उसने कुछ हमें बोल दिया, तो हम क्या इग्नोर करते हैं वो चीज को, कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम कैसे बोलें कि ना वो उसकी पोजीशन हमसे ज्यादा है, हम कैसे बोले उसको खराब लग जाएगा. नो, प्रोफेशन वाइज वो भले ही बड़ा हो, बट एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तो एक चीज होती है ना, आपको एट अ टाइम आपको उसको बोलना है कि नो, आप मुझसे रिस्पेक्टफुली बात कीजिए. एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मुझसे अच्छे से बात करें.
प्रोफेशन तो सेकंड नंबर की बात है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है। अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे ना तो नेक्स्ट टाइम 110% श्योर आपके सामने बात करने से पहले ही वो उसके मन में झिझक आएगी कि नहीं इस बंदे को खराब लगता है, मैं उसे रिस्पेक्टफुली बात करूं। रिस्पेक्ट इंसान को अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग मींस एक ह्यूमन नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, ठीक है, ना कि उसकी सैलरी और उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बिगनिंग में ही बताया था कि यूनिक ब्रांड मीन्स एकदम यूनिक होना चाहिए। तो देखो हमको सब जने इम्पोर्टेंस कब देंगे, लाइक हम सबसे स्पेशल तभी लगेंगे जब हम कुछ यूनिक करेंगे, समथिंग डिफरेंट करेंगे, सबसे अलग करेंगे। टॉपिक भले सेम हो सकता है बट हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन इट शुड बी डिफरेंट, ठीक है। मैं YouTube वीडियोस बनाती हूँ, कंटेंट लाइक टॉपिक भले कैसा भी हो, भले कितनी सारी YouTube पे उस टॉपिक पे वीडियोस बन चुकी हूँ, बट उसको प्रेजेंट करने का तरीका जो होगा वो मेरा अलग होगा और दूसरे बंदे का अलग होगा। तो हमें खुद को डिफरेंट बनाना है, खुद को यूनिक बनाना है, ठीक है। लाइक एक बेडशीट भी डालनी होती है ना तो उसका भी तरीका एक डिफरेंट होना चाहिए कि हमने बेडशीट इतनी टाइट डाली है ना कि एक जना आके पूछे कि ये बेडशीट डाली किसने है। मीन्स वे ऑफ वर्क हमारा यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, जिससे हम भीड़ में एकदम हाईलाइट हो पाए। जैसे कि फ्रेंड्स नेचुरल चीजें तो नेचुरली होती है, आप सब लोगों को पता है। तो कभी कभार हम गलती क्या कर लेते हैं, बहुत सारी भीड़ में जैसे फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो किसी को इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलती है, उनके बिहेवियर से ही पता चलता है। तो हमारी वहाँ पे मिस्टेक क्या होती है कि हम जो नेचुरल है ना वैसे नेचुरल नहीं रहते हैं, हम है ना अपने फेस पे लाइक वो मुखौटा पहन लेते हैं, लाइक जैसे वो खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं मैं भी खुद को वैसे ही प्रेजेंट करूं, बट ऐसा नहीं है। आपकी जो ओरिजिनलिटी है ना आपको वैसे ही खुद को प्रेजेंट करना है। या तो हम क्या कर लेते हैं कि कोई टॉपिक पे डिस्कस होता है ना, हमें पता नहीं भी होता है ना तो भी हम हाँ बोलते हैं, हाँ 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 मुझे पता है। अगर आपको पता नहीं है तो सिंपली आप नो बोल सकते हो, इसमें आपकी कोई ना कोई आपकी बुराई नहीं करेगा। जिस चीज के बारे में नहीं पता है तो नहीं पता है, दैट्स इट, दैट्स नॉट द बिग इशू। नहीं पता है तो नो बोल दो। अगर किसी चीज पे डिस्कस हो रहा है तो हमें हमारा राइट एंगल ऑफ वे कैसा होना चाहिए कि हाँ हमें उनकी उनकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, ना कि हम अपना फेक वाला चेहरा लेके बोले हाँ 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 हमें पता है। वहां पे हमारी जो पर्सनालिटी है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। तो हमें खुद को नेचुरली रखना है, फेक चीजों की वजह से हमें खुद को चेंज नहीं करना है, बी नेचुरल ऑलवेज। जैसे कि बिगनिंग में बताया मैंने ब्रांड मींस एकदम यूनिक, खुद को हमको एकदम अलग सबसे सेपरेट फील करवाना है, तो उसके लिए हमको दूसरों के जैसे नहीं होना पड़ेगा, राइट। तो खुद को आपको अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपने काम पे फोकस करना है। मेरे कहने का मतलब है कि जहां पे ऐसा माहौल हो ना लाइक इधर उधर की बातें हो रही हो, एकदम शिटी लाइक वेस्ट ऑफ टॉक्स हो रही हूँ, इधर उधर की बातें मीन्स उसकी बुराई हो रही हो, उसकी बुराई हो रही हो, पार्टी की बातें हो रही हो, उसने ऐसा पहना था, वो ऐसी लग रही थी, उसकी सास ऐसी, उसकी बहू ऐसी, आपका कोई मतलब ही नहीं है, तो उन चीजों में आपको इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। अगर आपके सामने भी कोई बात कर रहा है ना तो आपको सिंपली जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में बताया, सिंपली आप बोल दीजिए नो आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, ये मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं है, आप कुछ और बात कीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग, यू कंटिन्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोलोगे, ठीक है, उनको लगेगा कि वो एटीट्यूड दिखा रही है, बट दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज मस्ट। आप एक अच्छी बात कर रहे हो, आप बुरी बात नहीं कर रहे हो, अपने अपने आप को एकदम शिटी थिंग्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं कीजिए, खुद की एक अलग न्यू पहचान बनाए, समथिंग डिफरेंट यूनिक। इसी पॉइंट में नेक्स्ट ये भी बोलना चाहूंगी, अभी बात आती है इम्पोर्टेंस देने की, लाइक हम क्या है खुद को स्पेशल फील करवाने के लिए, खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फील करने के लिए क्या सबको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। इम्पोर्टेंस इन द सेंस मतलब सबके पीछे से पागल पागल होते जाते हैं। तो जिसको जितनी प्रायोरिटी आपको देनी है ना आप उतनी ही प्रायोरिटी दीजिए, ऐसे नहीं कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन आपने उसको इतना ऊपर चढ़ा दिया और उसको बोल दिया हाँ आप तो बहुत अच्छे हो, आपकी तो सैलरी इतनी है, उसके आगे पीछे आप मत घूमिए। खुद की पहचान बनाइए। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगी, सब फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर फैमिली, उसके बाद बाकी सब चीजें। रियू बोलने दे, ठीक है गाइज, अभी मूव ऑन करते हैं आगे। फ्रेंड्स खुद को यूनिक फील करवाने के लिए, खुद को डिफरेंट फील करवाने के लिए आपके पास जो भी है ना, लाइक आपके पास 200 रुपए वाली कुर्ती भी है या 500 रुपए वाला जीन्स भी है ना, उसको आप
इतने अच्छे ढंग से कैरी करो ना कि सामने वाला ही एकदम एकदम इम्प्रेस हो जाए. आपका वे ऑफ बिहेवियर, वे ऑफ टॉक इतना एलिगेंट, इतना डिफरेंट होना चाहिए ना कि वो सामने वाला खुद लाचार हो जाए आपसे पूछने के लिए कि आपने ये कहाँ से परचेज किया. आप में खुद में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आप क्या है ना, किसी को दूसरे को देख के एकदम इनसिक्योर फील करते हैं ना, लाइक मेरा तो अच्छा नहीं है, उसका तो महंगा खरीदा हुआ होगा. महंगे सस्ते से कुछ भी नहीं होता है, खुद की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कैरी करने का एक वे होना चाहिए. जब बात आती है खुद को ब्रांड बनाने की, खुद को यूनिक बनाने की, खुद को सबसे डिफरेंट बनाने की, तो ये गुण तो सब में होना चाहिए. इवन सब में क्या ना, आपको जितना हो सके कम बात करनी है अपने जबान की, अपने लफ्ज़ों की आपको वैल्यू करनी है. ठीक है, जहाँ पे कुछ भी डिस्कशन होता है हम भी जंप लगा देते हैं. ठीक है, सब जने डिस्कशन देते हैं विदाउट नेसेसिटी, हम भी ज्वाइंट हो जाते हैं, बोले जाते हैं बल्कि ज़रूरत नहीं होती है उन सब चीज़ों की. ठीक है, आप कम बोलो और ऐसा बोलो कि लाइक सामने वाला इम्प्रेस हो जाए और खुद ही बोले कि हाँ बंदे में कुछ बात है. आप कम बोलोगे और इफेक्टिव बोलोगे और 10 वर्ड्स की जगह 5 वर्ड्स बोलोगे ना, तो वहाँ पे ही आपका इम्प्रेशन पड़ जाता है. तो ट्राई टू स्पीक लेस. अगर फ्रेंड्स जहाँ पे आपकी तारीफ हो रही है, आपके गुणों को सराहा जा रहा है, आपकी बहुत वाह वाह हो रही है, डोंट रिएक्ट. आपको वहाँ पे रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. जिस दिन आपने रिएक्ट किया खुद को लाइक कुछ समझा आपने कि नहीं, तो वहाँ पे आपका फिर प्रोग्रेस लेवल डाउन हो जाएगा. ऑलवेज डू समथिंग बेटर. ठीक है, आपकी तारीफ हो रही है, ठीक है, उसको इतना लाइटली लो, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हाँ इतना किया है और आगे भी मुझे करना है. ओके, और खुद को स्पेशल बनाने के लिए डोंट अवेलेबल ऑलवेज फॉर एनीवन. आई एम नॉट सेइंग कि आप खुद में एटीट्यूड रखें लाइक आपको कोई बुलाता है तो आप ना जाएं. मेरे कहने का वो मतलब नहीं है. मेरे कहने का मतलब है जहाँ पे आपकी ज़रूरत हो आप वहाँ पे टाइम से ही जाएं. ऐसा नहीं कि 24/7 कोई भी आपका यूज़ करके आपसे काम निकलवाना चाहता है. किसी किसी का नेचर ऐसा होता है ना कि ना खुद को लाइक अपनी बातों में आपको फंसा के बोले यार मेरा ये काम कर देना, आज मुझे घर पे काम है, और उसके घर पे काम नहीं भी हो तो भी आपके भोले नेचर की वजह से वो आपसे काम निकालना चाहता है. ठीक है, मेरे कहने का वो मतलब है अपने माइंड को संतर्क रखे कि कहीं मेरा कोई यूज तो नहीं कर रहा है. आपको हेल्प भी करनी है सबकी, बट अपने माइंड को एक्टिव रखना है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है मुझे. ठीक है, कौन मेरा यूज कर रहा है, मैं किसकी हेल्प कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है. होपफुली आज का वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा. आप सब लोगों को पता है मैंने मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल को भी प्रेस कर देना.